ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का. अ कंडक्टर ए बी इज ज्वाइन टू अ सेल विथ इट्स एंड ए एट अ लो पोटेंशियल. देखो हमारे पास एक कंडक्टर है. दिस इज ज्वाइन टू अ सेल. ठीक है. ए बी इज ज्वाइन टू अ सेल विथ इट्स एंड ए एट लो टेम्परेचर. तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये लो पोटेंशियल पे है ए वाला एंड, और बी वाला एंड हायर पोटेंशियल पे. लो पोटेंशियल मतलब माइनस और ये हायर पोटेंशियल मतलब प्लस. ठीक है. नाउ स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट. भाई हमें पता है कि जो कंडक्टर में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जिधर नेगेटिव होगा वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, राइट? सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिधर नेगेटिव चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एंड ए टू एंड बी, राइट? बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा. सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पहला पार्ट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर ए बी इज फ्रॉम एंड ए टू एंड बी. Now, what will be the direction of flow of conventional current in the conductor? So, direction of flow of electrons or direction of flow of conventional current. In the conductor is from B to A. जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करेंट का डायरेक्शन होता है. क्लियर है बच्चों? Yes. That is from higher potential to lower potential. लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है. टू कंडक्टर्स ए एंड बी ज्वाइंट बाय, ये अधूरा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, है ना? क्वेश्चन है हमारे लिए. टू कंडक्टर्स ए एंड बी आर ज्वाइंड बाय अ कॉपर वायर. स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. सो टू कंडक्टर्स ए एंड बी आर ज्वाइंड बाय अ कॉपर वायर. ठीक है. इन दोनों को हम लोगों ने कॉपर वायर से ज्वाइन कर दिया, ए और बी को
स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑफ द, इफ ए इज पॉजिटिवली चार्ज, ए अगर पॉजिटिवली चार्ज है ना एंड बी इज अनचार्ज, तो हमेशा ए से बी के तरफ आएगा करंट, और हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये अनचार्ज है, तो अनचार्ज मतलब जितना प्रोटोन उतना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटोन ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम बी टू ए, सो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम बी टू ए, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम बी टू ए, सेकेंड पार्ट ए इज नेगेटिवली चार्ज, ए इज नेगेटिवली चार्ज एंड बी इज अनचार्ज, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज जीरो चार्ज, एंड जब इसको ज्वाइन करेंगे नेगेटिवली चार्ज मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा राइट, सो फ्रॉम ए टू बी इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज ए के पास डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, नंबर डेंसिटी। थर्ड पार्ट ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड बी इज नेगेटिवली चार्ज, ए का पॉजिटिव बी का नेगेटिव, अब देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास कम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम हियर टू हियर बी टू ए, क्लियर है बच्चों? यस सर लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया बच्चों? यस सर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड इन मूविंग 2 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट, सो वर्क डन W इज इक्वल टू क्यू इन टू वी, ठीक है ये फॉर्मूला होता है, सो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इन टू पोटेंशियल डिफरेंस, सो वर्क डन चार्ज कितना है, चार्ज दे रखा है आपका 2 कूलम्स और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 8 वोल्ट है, सो दिस विल बी 2 × 8, वर्क डन इज इक्वल टू 16 जूल्स, इज इट क्लियर? So formula needs to be remembered properly. So work done is equal to charge into potential difference. You can write it in full form as well. नेक्स्ट पे चलते हैं।
A cell is connected to a bulb which develops a potential difference of 12 volt across it. The current in circuit is measured to be 2 ampere. Find the resistance offered by the filament of bulb to the flow of current. So cell is connected to a bulb which develops a potential difference. So V is equal to 12 volt. The current in the circuit is measured to be 2 ampere. I is equal to 2 ampere. Find the resistance. Ohm's law, by Ohm's law, resistance is equal to voltage by current. This is 12 by 2. 6 ohm ho jayega. ठीक है, इसको हम लोग 6 ohm ओम भी लिख सकते हैं, ये इसका सिंबल है ओमेगा. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फिलामेंट ऑफ द बल्ब टू द फ्लो ऑफ करंट. सो दिस इज द रेजिस्टेंस 6 ओम, है ना. ओम्स लॉ ये है, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, या वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ये सब अलग अलग तरीके हैं उसको रिप्रेजेंट करने. लिख लिया बच्चों? यस सर. फिफ्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम. तो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस V निकालना है. रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है और करंट 1.5 एम्पियर है. बाय ओम्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R और V इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, दिस इज 3 वोल्ट. ठीक है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 7.5 ओम. रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 7.5 ओम, कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 वोल्ट. करंट आई इज इक्वल टू वी बाय आर, दिस इज बाय ओम्स लॉ. आई इज इक्वल टू वी बाय आर, करंट आई इज इक्वल टू 1.5 बाय 7.5, 1 बाय 5 इज 0.2 एम्पीयर.
नेक्स्ट पे चलते हैं. नाउ वी डू द न्यूमेरिकल्स व्हिच इज देयर इन एक्सरसाइज 9B. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 9B. ठीक है. सो पहला क्वेश्चन क्या है. इन ट्रांसफरिंग 1.5 कूलम चार्ज थ्रू अ वायर 9 जूल ऑफ वर्क इज डन. सो चार्ज इज इक्वल टू 1.5 कूलम. Work done is 9 joules. We have to find the potential difference V. So we know that V is equal to W by Q. Potential is work done per unit test charge. So W by Q is W 9 by 1.5. 6 volt to that. The next one is a cell of potential difference 12 volt is connected to a bulb. The resistance of filament of bulb when it glows is 24 ohm. So potential difference 12 volt. Resistance of filament of bulb when it glows is 24 ohm. Find the current drawn. So dekho V ka value 12 volt de rakha hai. R का वैल्यू 24 ओम दे रखा है और ओम्स लॉ से अब हम लोग को अगर करंट निकालना है I इज इक्वल टू V बाय R होगा. सो दिस I इज इक्वल टू 12 बाय 24 1 बाय 2 0.5 एम्पियर हो गया.
थर्ड क्वेश्चन इज अ बल्ब ड्रॉज करंट 1.5 एम्पीयर, यहाँ करंट 1.5 एम्पीयर दिया हुआ है एट 6 वोल्ट, वोल्टेज इज इक्वल टू 6 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी बाय आई, दिस इज बाय ओम्स लॉ, सो विच इज इक्वल टू 6 बाय 1.5 4 ओम। नेक्स्ट इज अ करेंट 0.2 एम्पियर फ्लोज इन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, आई इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 15 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू आई इंटू आर बाय ओम्स लॉ, सो दिस इज 0.2 इंटू 15, so this is 3 volt. लिख लिया बच्चों? अब हम लोग पिछले एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, 9A के न्यूमेरिकल्स में। 9A का ये है एक्सरसाइज, 9A का न्यूमेरिकल्स है। फर्स्ट न्यूमेरिकल था अ चार्ज 0.5 कूलम, Q इज इक्वल टू 0.5 कूलम, पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल टू 5 seconds, find the current, current I is equal to charge by time, rate of flow of charge, मतलब total charge by time taken 0.5 by 5, this is equal to 0.1 ampere. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. A current of 1.5 ampere flows through a conductor for 2 seconds. Current I is equal to 1.5 ampere flows through a conductor for 2 seconds. Time t is equal to 2 seconds. What amount of charge flows through the conductor? हमें Q का value निकालना है. So Q is equal to I into t. और Q is equal to 1.5 into 2, so this is 3 coulombs.
Next question is, when starter motor of a car is switched on for 0.8 seconds, time is equal to 0.8 second, a charge 24 coulomb, Q is equal to 24 coulombs, passes through the coil of the motor, calculate the current, I is equal to Q upon T, 24 by 0.8. 240 by 8, which is 30 ampere. Now we'll do the portion which is remaining, that 4C wala portion. This is theoretical portion completely. Efficient use of energy. The meaning of efficient use of energy is to reduce the cost and amount of energy to be used. So cost ko reduce karna, reduce the cost and amount of energy to be used to provide us the various products and services. Energy efficiency can be achieved by adopting more efficient eco-friendly technologies and processes. This results in the reduction of the cost of energy and emission of greenhouse gases. तो बेसिकली क्या है, अगर हम लोग ज्यादा एफिशिएंट इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को यूज करेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी हम इनकर कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी और जो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस उसको भी हम लोग कम कर पाएंगे, रिडक्शन इन बोथ कॉस्ट एंड द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. नाउ एग्जाम्पल्स, तो क्या क्या हम लोग को प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. बाय प्रॉपरली इंसुलेटिंग अ home, it is possible to maintain a comfortable temperature inside. It will reduce the cost of heating device in winter and cooling device in summer. So, सबसे ज़्यादा जो हम लोग का electricity utilization होता है, एक second बच्चों. तो सबसे ज्यादा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलाइजेशन होता है, दैट इज इन इन द हीटर्स ड्यूरिंग विंटर एंड एसी जो हम लोगों के घर में लगा हुआ है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज है वो सबसे ज्यादा होता है. तो उसको रिड्यूस अगर हम लोग प्रॉपरली इंसुलेट कर लें अपने हाउस को, जिससे जो बाहर के टेम्परेचर से अंदर के टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट ना आए, तो उससे क्या है कि इसका जो यूसेज है, एसी और ये जो हीटर्स हैं उनके यूसेज में कमी आएंगी और हम लोग विल बी एबल टू सेव एनर्जी. सेकंड इज द यूज ऑफ फ्लोरेसेंट एंड एलईडी लाइट्स और नेचुरल स्काई लाइट instead of the traditional incandescent light bulb. तो अब तो ये कोई use भी नहीं करता, ये तो remove ही हो गया. Generally लोग सब जगह LED ही use करते हैं, ये तो it's not even available in the market. So that reduces the amount of energy required to attain the same level of illumination. So वही उतनी ही light
हम लोगों को एलईडी से भी मिल जाती है, जो कि बहुत कम एनर्जी यूज करता है. द यूज ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प दैट इज सीएफएल्स सेव 67% एनर्जी एंड दे मे लास्ट 6 to 10 times लॉन्गर देन द इनकैंडेसेंट लाइट. तो जो इनकैंडेसेंट लाइट्स थे, जो बल्ब्स थे, वो जो पुराने जमाने में ऐसे फिलामेंट वाला ऐसे एक बल्ब हुआ करता था, है ना, जो ऐसे इस शेप का ऐसे बल्ब हुआ करता था, राइट. अब तो ये ऐसे भी इट्स नॉट देयर इन द मार्केट. तो उसको रिप्लेस किया सीएफएल ने, और सीएफएल को भी अब रिप्लेस कर दिया है एलईडी ने. द यूज ऑफ एलईडी दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब्स फॉर लाइटिंग रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ड्रास्टिकली. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मर्करी यूज इन फ्लोरेसेंट लाइट्स. ना द मॉडर्न एनर्जी एफिशियंट अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर्स. अब सब में तुम देखोगे एक एनर्जी रेटिंग होता है, 5-star rating 4-star rating 3-star rating. तो लोग अब इसको देख कर खरीदते हैं कि कितने स्टार रेटिंग का एसी है ना. और उनके जितना ज्यादा स्टार रेटिंग का होता है तो उतना ज्यादा उसका कॉस्ट भी होता है, बट वो इवेंचुअली आपको लॉन्ग रन में उसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम आता है. तो मतलब बेसिकली यू आर एबल टू रिकवर द price difference within an year only. The modern energy efficient appliances such as refrigerators, freezers, ovens, stoves, dishwashers, dryers, etc. make use of significantly less energy than the older appliances. Nowadays appliances are star rated according to their efficient use of electricity. Now sixth point is the building's location and its surrounding play a key role in regulating its temperature and illumination. So proper placement of the windows and skylights and the use of architectural features that reflect light into the building can reduce the need of the artificial lighting. White roof system can save more energy in summers. Now seventh is the use of advanced boilers and furnaces in industry can save sufficient amount of energy in attaining the high temperature by burning less fuel. Use of such technology is more efficient and less polluting. The fuel efficiency in the vehicles can be increased by reducing the weight of the vehicles using the advanced tires and the computer controlled engines. According to International Energy Agency, the improved energy efficiency in the building, industries and transportation could reduce the world's energy need in 2050 by 1/3, and thus it will help in control of global emission of the greenhouse gases. Now social initiatives, the rapid depletion of energy resources and the adverse environmental impacts of energy use has led to the efforts so as to develop the energy efficient machines. Second, the technologies which can reduce the energy expenditure and minimize the environmental hazards. It has become essential to create awareness amongst the people and build in them the trends of sensitive use of the resources and products so as to reduce the use of electricity. Now, public awareness can be improved through mass media and children's participation in campaigns and eco club activities. Community involvement will surely be effective in reducing the misuse of electricity. The non-government organization, NGOs, can be used to create social awareness of the sensitive use of the resources. ठीक है, इज इट क्लियर? यस. तो आई थिंक सी दिस वी आर डन विथ दिस चैप्टर. स्कूल में क्या है, स्कूल में ये चैप्टर हो गया? नहीं सर, चल रहा है अभी, चल ही रहा है. चलो तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगली क्लास में क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे. और व्हाट आई प्लान की तुम लोग का जब ये मैग्नेटिज्म भी हो जाएगा ना, तो आई रिड्यूस द नंबर ऑफ क्लासेस फ्रॉम 3 to 2.
है ना, तुम लोग जिससे सेल्फ स्टडी भी थोड़ा कर सको, अभी क्लासेस ज्यादा होती हैं और तुम लोग को खुद को पढ़ने के लिए या समय देने के लिए टाइम नहीं होता है. सो वंस वी कंप्लीट द सिलेबस वील रिड्यूस इट फ्रॉम 3 to 2. हाउ इज द सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री गोइंग, कहाँ तक हो गया, मतलब उसमें कितने चैप्टर्स रह रहे हैं? सर केमिस्ट्री में भी आ गए हैं. हाँ सर, हम बहुत आ गए हैं स्कूल से. यस सर. मतलब चैप्टर्स कितने बच रहे हैं हमारे? सर जो स्कूल के सिलेबस हैं सब मेहत मैम ने सब करा दिया. सर जो टर्म का सिलेबस है उसमें बस एक चैप्टर बचा है प्रैक्टिकल वर्क करके, एक था वो टेक्स्ट बुक में भी है. तो स्कूल टीचर ने अभी तक वो कराया नहीं है, बस हम लोग को कंफर्म करना है. लेकिन हाँ, तो उसके बाद फिर हमारा 9th का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा. यस सर. ठीक है, तो एक बार मैं मैम से भी बात कर लूंगा, डिस्कस कर लेता हूँ और फिर देखेंगे, मतलब एज एंड व्हेन नीडेड. मतलब बिकॉज फिजिक्स में तो मुझे बहुत ज्यादा तुम लोग की क्लास लेने की अब जरूरत लगती नहीं है. एक ही चीज को बार 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 पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, 2 क्लास में इनफ है रिविजन्स के लिए. और मैथ्स तो तुम ही दो ही लोग, एक ही दो ही लोग कर रहे हो मैथ्स मेरे ख्याल से, तुम दोनों? यस सर, सिर्फ मैं और आकांक्ष. ठीक है, मैथ्स का क्या है स्टेटस, कितना हो गया है हमारा? सर मैथ्स में भी हम आगे ही हैं, टर्म का, टर्म के आई थिंक हम टर्म के लास्ट चैप्टर पे हैं. अच्छा ठीक है, तो यही तो दिस इज द लास्ट टर्म व्हिच इज हैपनिंग, इसके बाद तो फिर 10th क्लास का ही सिलेबस शुरू होगा. हां सर, ये लास्ट टर्म है. एक मिनट, चलो मैं सब टीचर से भी डिस्कस कर लूंगा, आप लोग भी मुझे भेज देना क्या क्या है, कैसे है स्कूल से, अगर कुछ मिला है तो टर्म प्लान वगैरह वो सब भेज देना, मैं देख लूंगा उसको. ठीक है, ओके सर. चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय एंड एंजॉय. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय, टेक केयर.